ओह हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम है फिल। तुम्हारा जो भी नाम है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बताओ कि मुझे अपना ऑर्डर देने के लिए 10 मिनट तक क्यों इंतजार करना पड़ा। सर आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपनी जेब में रखो और मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। शायद तुम्हारे इलाके में ये आम बात हो, लेकिन यहाँ एक इज्जतदार जगह पर ऐसी घटिया सर्विस बर्दाश्त नहीं की जाती, समझे तुम? लेकिन मैं वो नहीं। तुम क्या नहीं हो? क्या तुम्हें वेटर नहीं बनना था? तो यहाँ आए ही क्यों? तुम एक सफाई वाले या बर्तन धोने वाले बन सकते थे तुम्हारे जैसे लोगों की तरह। कम से कम एक ग्लास पानी ही पिला देते, यू इडियट। हाँ वही तो, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो अपना मुंह खोलकर? है चलो जाओ, अब जाओ और जैसा कहा है वैसा करो। जी हाँ आई एम सॉरी। फ्रैंक मेरे दोस्त, माफ करना मुझसे ये सब बर्दाश्त। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी स्टाफ को भी याद दिलाना पड़ता है कि उनकी असली जिम्मेदारियां क्या है ना? हाँ तुमने सही कहा। तो कहाँ है तुम्हारा जीनियस जिसके बारे में तुम फोन पर इतना एक्साइटेड थे? देखिए वो किसी भी पल यहाँ पर आता होगा। क्या मुझे एक जग पानी मिल सकता है? ग्लास के बारे में क्या ख्याल है? उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे जग में ही पानी चाहिए। ये बहुत ही लंबी कहानी है। बस एक मिनट, शायद वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। मैं एक बार उसे कॉल करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया। बॉस इस सब का क्या मतलब है? ये सब क्या हो रहा है? देखो मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन किसे पता था कि मिस्टर गुडमैन एक रेसिस्ट किस्म के इंसान होंगे। हा? और आपका क्या, आप भी तो गुडमैन की तरह ही हैं। आपने भी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तो मैं और क्या करता, अगर हमने आज रात उनके साथ ही रियल साइन नहीं की तो हम कंगाल हो जाएंगे। और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने ये ऐप बनाई है, उससे गड़बड़ हो सकती है। तो बताइए अब आगे क्या करना है? मेरे पास एक आइडिया। ए दोस्त। यस सर। कुछ पैसे कमाना चाहते हो? हाँ सर क्यों नहीं। मिस्टर गुडमैन आखिरकार वो आ ही गया। यह है कॉलन। कॉलन यह है मिस्टर गुडमैन। मिस्टर गुडमैन तो तुम ही हो वो आईटी जीनियस? हाँ आपने सही पहचाना मिस्टर गुडमैन। कंप्यूटर्स कोड्स यही सब मेरा काम है मिस्टर गुडमैन। ओह अच्छा। वेल ये बताओ कॉलिन, मैं तुम्हारी ऐप में क्यों इन्वेस्ट करूं? मुझे इससे होने वाले कोई 3 फायदे बताओ। ठीक है तो पहला है पहला फायदा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वो पता लगाता है सारे और यूजर्स को देता है और यूजर्स को सबसे फायदेमंद जानकारी देता है। और दूसरा फायदा है इस ऐप का एक्सेसिबिलिटी। ये बोलो एक्सेसिबिलिटी। हाँ ओह सॉरी एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। काफी कम रिसोर्सेज हमने इस ऐप में। कॉलिन एक बात बताओ, तुमने ये ईयरफोन क्यों पहना हुआ? अच्छा क्या मैं इतना बोरिंग हूँ कि तुमने मुझसे बात करते करते गाने सुने? मिस्टर गुडमैन असल में बात ये है कि कॉलिन एक टीम लीडर है, उन स्पेशलिस्ट्स की टीम का जो प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए दिन रात उनसे टच में रहता है। इस मीटिंग के लिए ये इस ईयरफोन को हटा नहीं सकता, ये बेइज्जती है। ठीक है कॉलिन, तुम ईयरफोन निकाल लो प्लीज। सच में? हाँ बिल्कुल।
एक बात बताओ जीनियस, तुम्हारी ऐप की प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में है? कौन सी लैंग्वेज? वो तो इंग्लिश में ही तो है, और कौन सी? अच्छा इंग्लिश? हाँ। ये बहुत ही मजाक किया है। है ना, बहुत मजाक किया है ये। कॉलिन, तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझते क्या? ओ हाँ, वो तो C++। एक मिनट मिस्टर गुडमैन, मुझे लगता है इसने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब बस यही सवाल बचा है कि क्या आपको प्रोडक्ट पसंद आया। हाँ लेकिन। हाँ तो बाकी चीजों को रहने देते हैं ना। एक्सक्यूज मी फ्रैंक, लेकिन कहीं इन्वेस्ट करने से पहले मैं सारी जानकारी जानना चाहता हूँ। तो कॉलिन, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वेटर इधर आना। ओ सर, ये कॉलिन, मैंने पूछा कि ये ऐप कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ओ हाँ, याद आया, अभी बताता हूँ ऐप की लैंग्वेज मिस्टर गुडमैन, वो है सी और दो क्रॉसेस। सी और दो क्रॉसेस? जी हाँ, सही समझे। जी हाँ, टू क्रॉसेस। सी और दो क्रॉसेस? जी हाँ। कहीं तुम सी प्लस प्लस तो नहीं कहना चाहते थे? जी मिस्टर गुडमैन, आपने जो कहा वो भी सही है। इतने सारे सी हैं कि इनमें कोई भी उलझ जाएगा। वाह कई। हाँ और क्या। चलो बहुत हुआ, क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ है? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इस बेवकूफ की बातों में आ जाऊंगा जिसे ये तक नहीं पता कि C++ क्या है? ये है तुम्हारा IT जीनियस। हाँ। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? मैंने इसे कोई पैसे वैसे नहीं दिए। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम जा सकते हो। फ्रैंक, बताओगे आप बना कौन रहा है? फिल। क्या कहा? वो ब्लैक गाय? अब समझ में आया मैंने क्यों छुपा कर रखा था उसे। ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक्स के बस की बात नहीं है ये। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, उनका तो सारा दिमाग हिप हॉप और बास्केटबॉल में लगा रहता है। अब वक्त बदल चुका है, अब यही ब्लैक्स कोड लिखते हैं। बस यही एक चीज नहीं बदली कि ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, वाइट्स के लिए। तुमने सही कहा मेरे दोस्त। और फिल के साथ भी यही है, मैंने सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए रखा है उसे। मैं कभी भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ। तो फ्रैंक, शायद वो वक्त आ ही गया है। फ्रैंक, उसने ऐप तो बना ही दी है, तो अब हमें उसकी क्या जरूरत? चलो एक डील करते हैं और प्रॉफिट आधा आधा बांट लेते हैं। क्या बात है, ये तो अच्छा आइडिया है। ओके। और ये रहा पेन। थैंक यू। हे तुम जरा यहां ना प्लीज, शैंपेन लेकर आओ हमारे लिए। दो शैंपेन देना प्लीज। ये पेन चल नहीं रहा, खराब है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। या शायद ये पेन बेईमान और रेसिस्ट लोगों के हाथ में नहीं चलता। क्या कहा? फिर मेरे दोस्त, यहां बैठ जाओ प्लीज, आओ ना। क्या ये किसी तरह का कोई मजाक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रैंक। हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट में $1,000,000 लगा रहा हूं, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे ऐप बनाने वाले का नाम नहीं पूछूंगा? मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो शख्स फिल ही था।
शुक्रिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। इस तमाशे के लिए मुझे माफ करना। देखो, मैं शुरू से जानता था कि ये ऐप तुमने बनाई है और तुम अपने बॉस की तरह रेसिस्ट नहीं हो, बल्कि क्या एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और उसकी तरह दल बदलू भी नहीं जो अपने कॉलीग के बारे में ना सोचकर उन्हें बड़ी आसानी से पैसों के लिए छोड़ देता है। फिल, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं वही कर रहा था जो हम दोनों के लिए सही था। मिस्टर गुडमैन, शायद कोई गलत फहमी हो गई। मैं जान गया हूँ तुम्हें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे बॉसेस भी ये बात जल्दी ही जान जाएंगे। मिस्टर गुडमैन प्लीज, तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है कि तुम अपना रेजिग्नेशन दे दो। गुड बाय। तो फिर जी, मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा। मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तुम्हारे साथ। मिस्टर गुडमैन, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं।